बिजली विभाग की लापरवाही से फिर एक बार गई नव युवक की जान। आक्रोशित ग्रामीणों ने महोबा झांसी मुख्य मार्ग पर किया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहे। 2 घंटे तक सड़क पर मचा रहा कोतूहल। उपजिलाधिकारी के आश्वासन के बाद खुला जाम। पूरा मामला जनपद हमीरपुर किराट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुल्हेड़ा का है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से अचानक घरों में करंट दौड़ गया, जिसमें 20 वर्षीय युवक अपने घर में मोबाइल चार्ज पर लगा रहा था, जो करंट की चपेट में आ गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर आक्रोशित ग्रामीणों ने झांसी महोबा मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया। 2 घंटे तक लगातार सड़क पर जाम लगा रहा, जिससे आने जाने वालों को काफी कठिनाई उठानी पड़ी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने जाम नहीं खोला। उपजिलाधिकारी अशोक कुमार यादव के आश्वासन के बाद मृतक को 5 लाख नगद और घायलों को 50 से 70 हजार रुपए देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। हाँ, आज ये कुलेड़ा गांव का एक व्यक्ति सूचना मिली थी। वो व्यक्ति विद्युत करंट की चपेट में आके एक 18 साल का नवयुवक की डेथ हो गई, और उसकी डेथ होने के बाद गांव के लोग आक्रोशित होकर रोड जाम किए थे। उनकी मांग ये थी कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण घटनाएँ होती हैं, उसकी जाँच कराई जाए, और विद्युत के जो तार ढीले हैं, ट्रांसफार्मर में गड़बड़ियाँ ठीक कराई जाएँ, और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। ये था, मैंने बात भी किया एक्सचेंज से SDO से, लेकिन वो पीछे हैं, रास्ते में कहीं गए थे, तो उनको आने में समय लगता, कम से कम 1 घंटा लगता, इसलिए हम और CO साहब मौके पर आए और उनको द्वारा बताया गया कि साहब हमारे विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख की सहायता देने का प्रावधान है, अगर वो विद्युत दोषों के कारण हुआ है तो इसकी जांच कराएंगे, और अगर ये विद्युत की फॉल्ट से डेथ हुई है तो इसके परिजनों को, मृतक के परिजनों को 5 लाख की सहायता दिलाई जाए। लाइट से मेरे छोटे भाई की मौत हो गई है, इसलिए मैं लाइट विभाग वालों को बुलाना चाहता हूँ, और जो हमारी जो समस्या है वो सोल्व करें। हमीरपुर UP से अनिल कुमार की रिपोर्ट।